भिंड से एक वीडियो सामने आने के बाद मंत्री ओपीएस भदौरिया विवादों में घिर गए हैं। बताया जा रहा है कि खाद मांगने पर मंत्री जी ने किसान को डांट दिया। दरअसल मंत्री ओपीएस भदौरिया आज ही माता मंदिर में चल रही भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब वो निकले तो किसानों ने उन्हें घेर लिया, खाद की समस्या को लेकर गुहार लगाई। ऐसे में मंत्री जी ने कलेक्टर को फोन लगा दिया। इस बीच एक किसान ने दोबारा बीच में बोलना शुरू कर दिया, जिससे मंत्री ओपीएस भदौरिया को गुस्सा आ गया और किसान को डांटते हुए कहा, तमीज नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कलेक्टर से, कौन हो तुम, राष्ट्रपति। डांटने के बाद ओपीएस भदौरिया वहां से निकल गए। हालांकि वीडियो में साफ नहीं है कि किसान ने मंत्री ओपीएस भदौरिया से आखिर क्या कहा था। अब इस वीडियो को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने कहा कि शासन में किसानों को हक की जगह लाठी डंडे और FIR मिल रही है। किसान से बदतमीजी से बात करने वाले मंत्री आम आदमी को तमीज सिखा रहे हैं। बात कर रहा हूँ कलेक्टर से, कौन हो तुम, कि इस वीडियो में आप साफ ये नहीं सुन पाएंगे कि किसान ने आखिर क्या कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं है मंत्री जी को, जो इतना गुस्सा आ गया और इस तरीके से फटकार लगा रहे हैं किसान की, जब वो किसान के लिए गुहार लगा रहे हैं, कलेक्टर को फोन कर रहे हैं। खाद की समस्या पर कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे थे, क्योंकि किसान पहुंचते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पर PCC से ये बयान जारी किया है उन्होंने, और अभी भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया कांग्रेस की तरफ से, अभी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। दो दिन का हमने प्रशासन को अल्टीमेट दिया, अगर दो दिन के अंदर किसानों को खाद पूर्ण रूप से अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुई तो हम जिला प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करें। प्रदीप शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, इतना गुस्सा मंत्री जी को आ जाता है, किस तरीके से फटकार लगा देते हैं और अब इस पूरे मामले पर सियासत सूबे में शुरू हो गई है। जी, आपको बता दूं, ये पूरा मामला मंत्री का ये पहला कोई वीडियो नहीं है, इस तरह के कई वीडियो मंत्री के असभ्यता के पहले भी आ चुके हैं सामने। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 15 दिन से खाद नहीं है, क्योंकि सरसों पैदा करने वाला चंबल अंचल है, मुरैना और भिंड, यहाँ पे जो सरसों के लिए खाद की जरूरत होती है वो DAP की सबसे आवश्यकता पहले DAP चाहिए होता है सरसों बोने के लिए, लेकिन वो ही 15 दिन से नहीं है, किसानों खेत तैयार है। ऐसे में बोनी लेट होने के चक्कर में किसान की पूरी फसल हो रही है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी, कम पैदा होगी, इसी को लेकर किसान आक्रोशित है, लगातार लाइन में लगा है, किसान 15 लाख खा रहा है, पुलिस की लाइन में धक्के मुक्के खा गिर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है, उसके बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। जब मंत्री जी जो एक प्रसिद्ध स्थल है आजी महामायण क्षेत्र में, वहां एक भागवत कथा में मंत्री जी पहुंचते पाए, किसान आक्रोशित होकर मंत्री जी खाद की मांग कर रहे थे, मंत्री एकदम आकर्षित हो जाते, उसको बेतमीजी से तमीज सिखाने की बात कर रहे हैं। ये समझ में कहीं नहीं आया कि तमीज अगर किसी को सिखाती है तो तमीज के दायरे में ही सिखाई जाती है, अलग-अलग मंत्री जी किस बेतमीजी से उसको सिखा रहे हैं, ये वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है। जब किसान को जितनी वो लागत लगा रहा है उतना नहीं मिलता है तो उसे भी गुस्सा आएगा, वो सवाल सीधे सीधे जिनका सरोकार है इससे उनसे ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।